मेरी कहानी का शीर्षक है दुनिया के सात आश्चर्य। तो इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है छुटकी। ये छुटकी अपने घर में रहती थी गांव में। एम आई ऑडिबल है, मैं सुनाई पड़ रही हूँ सबको? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कूल जाना चाहती थी, तो उसके घर वाले उससे कहते थे कि अभी तो बहुत छोटी हो, लेकिन उसका बहुत मन करता था। तो चूंकि गांव में रहती थी, वहां पे कोई स्कूल नहीं थे, तो बहुत जिद करने की वजह से उसको फिर थोड़ी गांव से दूर स्कूल था, वहां पे उसको भेजा गया। तो वो पहले दिन स्कूल गई, उसको बहुत अच्छा लगा, वहाँ इतने सारे बच्चे थे, सब बहुत अच्छी उसको फीलिंग आई। उसने कहा वाह आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो क्लास में जाके बैठी, तो टीचर आई क्लास में, उसने कहा गुड मॉर्निंग बच्चों, सबने कहा नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। फिर टीचर ने कहा आज बच्चों मैं आप लोगों को दुनिया के सात आश्चर्य पढ़ाऊंगी। तो सारे बच्चों को, चूंकि मैडम ने दो तीन दिन से वो यही पढ़ा रही थी, तो सब बच्चों को पता था। छुटकी पहले दिन आई थी, तो टीचर ने देखा कि छुटकी तो आज पहली बार आई है, इसको तो कुछ भी पता नहीं होगा। फिर भी जब उसने, टीचर ने बोला कि बच्चों तुम लोग लिखना शुरू करो सात आश्चर्य, तो बच्चों ने झटपट लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को तो वो पढ़ाया जा चुका था। छुटकी ने भी लिखना शुरू कर दिया, तो टीचर बहुत खुश हुई, उसने सोचा शायद इसको पता होगा, तो वो लिख रही है। तो बच्चों ने थोड़ी देर लगाई, 10-15 मिनट लगाए, सब बच्चों ने लिख लिया, फिर हाथ खड़ा किया कि हमने लिख लिया है। मैडम बताए, मैडम ने सबके बच्चों के कॉपीज देखी, तो बच्चों ने लिखा हुआ था उसमें कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, पेट्रा, मिचू पिचू, एंड किचन इट्सा, और पिरामिड ऑफ गीजा, सब उन्होंने बहुत अच्छे से सारी लिस्ट बनाई हुई थी जो कि बच्चों को टीचर ने सिखाया। तो उन्होंने कहा अच्छा छुट्टी अब तुमने दिखाओ, तुम अपनी कॉपी में तुमने क्या लिखा है। तो उसने कॉपी दी टीचर को, उसने लिखा था छुटकी ने सात आश्चर्य दुनिया के, देख पाना, सुन पाना, बोल पाना, महसूस कर पाना, दया कर पाना, प्रेम कर पाना और हमदर्दी कर पाना। टीचर ने जैसे ही देखा उसकी आंखें खुली की खुली रही, उसको वो एकदम से उसको लगा कि इस लड़की ने कितनी बड़ी बात लिखी कि जो हम लोगों को भगवान ने इतने सारे आश्चर्य दिए हुए हैं उस पर हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। हम दुनिया के आश्चर्य तो देख रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के आश्चर्य हम नहीं देख पा रहे कि हमको भगवान जी ने कितने सारी चीजें दी हुई है। हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को सिंपैथी दे सकते हैं। ये मानव जीवन के कितने बड़े आश्चर्य हैं। और टीचर ने उस दिन सब बच्चों से खड़े होके छुटकी के लिए क्लैपिंग कराई। और उस दिन टीचर ने भी एक लेसन सीखा था कि दुनिया में आश्चर्य वो होते हैं जो कि हमने कभी सोचे ही नहीं कि आश्चर्य हैं, और वो एक्चुअली इस दुनिया के सात बड़े आश्चर्य। मेरी कहानी यही थी।